जो डिफॉल्टर पाई गई थी सीपीसीबी के जॉइंट इंस्पेक्शन में, जॉइंट इंस्पेक्शन में जो डिफॉल्टर पाई गई थी नौकरियाँ, इनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। जिनमें से उनके नाम हैं ए एल एम इंडस्ट्रीज, सिद्धार्थ टेक्सटाइल तिलकाना रोड सहारनपुर, दीप इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली रोड सहारनपुर, अतुल टेक्सटाइल शाकुम्भरी बिहार सहारनपुर, दया शुगर लिमिटेड गागालहेड़ी सहारनपुर, श्री कृष्णा बोर्ड मिल गागालहेड़ी सहारनपुर, किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड ननौता सहारनपुर, त्रिवेणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड शुगर यूनिट देवबंद सहारनपुर, सर बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड शुगर यूनिट गंगनौली देवबंद सहारनपुर। ये नौ क्या यहाँ हैं जिनके विरुद्ध मुकदमा प्रदूषण की कोर्ट में लखनऊ में दर्ज कराया गया। ठीक है, निर्देशों के बाद भी फैक्ट्रियों और कारखानों पर्यावरण में लगातार जहर घोलने का काम कर रहे हैं। चीनी मिल और अन्य कारखानों द्वारा न सिर्फ जल को प्रदूषित किया जा रहा है, बल्कि कारखानों की मनमानी से वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर में प्रदूषण विभाग ने प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत कानूनी कार्रवाई की है। प्रदूषण विभाग ने एक कोऑपरेटिव चीनी मिल और एएलएम मीट फैक्ट्री समेत 9 फैक्ट्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद से फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। रोशन लाल सैनी, ईटीवी भारत, सहारनपुर।